कोविड की दूसरी लहर के प्रकोप को काबू करने के लिए लगातार सरकार, डॉक्टर और वैज्ञानिक और देश का सैन्य दल कोशिश में लगा हुआ है। वहीं बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन भी जारी है। कोरोना वायरस को लेकर पिछले साल से लेकर अब तक आए दिन ही तरह तरह के मिथक वायरल हो रहे हैं। अब इसकी वैक्सीन के बारे में भी कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो इंटरनेट पर फैली अफवाहों के चलते लोग वैक्सीनेशन के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन को करवाने से भी डर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं वैक्सीन लगवाने के बाद उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं यही क्लियर करने वाला हूँ कि वैक्सीनेशन किन लोगों को करवाना चाहिए और किन लोगों को नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ घंटे वाले आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले चलते हैं कि किन लोगों को टीका लगवाना चाहिए, इसके बाद बात करेंगे कि किन लोगों को टीका नहीं लगवाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग पहले से ही सेहत संबंधी समस्याएं झेल रहे हैं उनको टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। टीका लगवाने के बाद ऐसे लोगों में वायरस के कारण होने वाली गंभीर समस्याओं का डर कम हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको कोरोना वायरस होने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए ऐसे लोगों को जल्द से जल्द टीकाकरण करवाना चाहिए। इसकी वजह है कि धूम्रपान करने वालों के लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है और अन्य सांस की बीमारियों के होने का भी खतरा बढ़ जाता है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत की बायोटेक ने कुछ लोगों को ये वैक्सीन न लगवाने की सलाह दी है। अभी तक भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस वैक्सीन को लगाने के बाद बहुत से लोगों ने इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की शिकायत की है। ऐसे में बाकी लोगों के मन में भी इस वैक्सीन को लेकर खौफ पैदा हो गया है। कोवैक्सीन के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी बनाई हुई वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सलाह जारी की है कि जिन लोगों को भी कोरोना वैक्सीन के किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है उनको वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए। कंपनी ने यह भी कहा है कि वैक्सीन लगवाने के पहले अपनी मेडिकल कंडीशन डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इनके मुताबिक तेज बुखार या ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बीमारी वाले लोगों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। कंपनी ने यह भी कहा है कि गर्भवती व ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। पर आपको वैक्सीन लेने से पहले अपनी मेडिकल कंडीशन के आधार पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आगे भी ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को घंटे वाले आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।